डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रेमर क्रॉनिक रिलेशंस के बारे में. ठीक है, तो ये रिलेशन दरअसल हमको रियल पार्ट जो होता है रिस्पॉन्स ऑफ लीनियर पैसिव सिस्टम में, उसके बारे में बताता है. अगर आपको इमेजिनरी पार्ट के बारे में, सारे फ्रीक्वेंसीज का जो रिस्पॉन्स आता है उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसके बारे में पता रहे तो जो रिस्पॉन्स है किसी भी लीनियर पैसिव सिस्टम का, उसको दरअसल रिप्रेजेंट किया जाता है सुपरपोजिशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के फॉर्म पे, जिनका मास होगा MJ. अब होता ये है कि जो आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें सिर्फ एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. ठीक है, अब जिसकी वजह से जो ऑसिलेटर है वो वाइब्रेशंस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का करता है और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से, तो ये वाइब्रेशंस कहलाते हैं आपके फ्री ऑसिलेशंस. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है ऑसिलेटर की वो कंजर्व्ड होती है ऐसे ऑसिलेशंस में, लेकिन वैसे फ्री ऑसिलेशंस पॉसिबल नहीं होते हैं क्योंकि जो मीडियम है जिसमें ये ऑसिलेटर वाइब्रेशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसकी वजह से एक फ्रिक्शनल या विस्कस फोर्स लगता है. ठीक है, ऑसिलेटर पर फ्रिक्शनल या विस्कस फोर्स लगता है, तो ये जो फोर्स है ये कहलाता है डैम्पिंग फोर्स. और ये फोर्स जो है ये जो आपका ऑसिलेटर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, जिसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन की वो कम हो जाती है, तो जो एनर्जी है ऑसिलेटर का वो भी कम हो जाता है. तो इसीलिए ऐसे वाइब्रेटिंग सिस्टम जो है आपके वो क्या कहलाते हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है, जैसे सिंपल पेंडुलम होता है वो ऑसिलेशन एयर या दूसरे मीडियम में करता है, ट्यूनिंग फॉर्क कह सकते हैं हम, ये जो है ये डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के एग्जाम्पल होंगे. ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिए हमने रिस्पॉन्स फंक्शन जो है वो किस तरीके से डिफाइन किया है. अल्फा ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डैश ओमेगा प्लस आई अल्फा डबल डैश ओमेगा. यहाँ पे डैश और डबल डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं है, बल्कि एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है. ठीक है, ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑसिलेटर्स, और उसको हम डिफाइन कर रहे हैं किसको, रिस्पॉन्स फंक्शन को. एक्स ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा ओमेगा कैपिटल एफ ओमेगा, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स फील्ड है वो रियल पार्ट है एफ ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी का, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स इज इक्वल्स टू समेशन जे एक्स जे जो है वो रियल पार्ट है एक्स ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी का. इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकाल सकते हैं आसानी से, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब लिखते हैं इनके लिए तो एम जे डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस रो जे टी बाई डी टी प्लस ओमेगा जे स्क्वायर एक्स जे, ये इक्वेशन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन है दरअसल. ठीक है, और यहाँ पे जो एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है ये तो आपको पता है, ये पहला वाला टर्म आपको कहाँ से मिल जाएगा, अगर एम मास होगा पार्टिकल का तो टोटल फोर्स उसमें यही वर्क करेगा. ठीक है, जो दूसरा टर्म होगा जो डैम्पिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा पार्टिकल के वेलोसिटी से, और डायरेक्शन अपोजिट होगा यानी रोजे डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, और ये जो तीसरा टर्म है आपका, ये वाला टर्म तो आपका रीस्टोरिंग फोर्स वाला टर्म होगा. तो इसमें से इसको सॉल्व करके हम कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स फंक्शन निकालेंगे ऑसिलेटर सिस्टम का, और उसको हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे. ये इक्वेशन हमने लिया, ठीक है, यही वाला इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख रहे हैं. तो यहाँ कैपिटल एफ बाई एम जे, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल एफ बाई जे से. अब आपने लिया है इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी, यानी एक सॉल्यूशन होगा, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स जे की जगह में हम, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है हमने एक्स जे की जगह में एक्स ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी. अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं हम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, एक बार डी बाई डी टी किया तो ये वैल्यू आई आपकी माइनस आई ओमेगा एक्स ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी, इसका भी एक बार डी बाई डी टी किया तो ये वैल्यू आ गई. तीसरा वाला एज इट इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ जे. अब फिर हम इसको दूसरी बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी आया दूसरा टर्म एज इट इज, तीसरा टर्म एज इट इज,
इज इक्वल्स टू एफ जे. अब यहाँ कॉमन निकाल लिया एक्स रेज टू माइनस आई ओमेगा टी को, तो अंदर बाकी टर्म्स आ गए इज इक्वल्स टू एफ जे. सो अल्फा ओमेगा की वैल्यू हमारे को क्या मिल गई, ये एफ जे अपॉन ये पूरा वैल्यू. ठीक है, इसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं अल्फा ओमेगा इज इक्वल्स टू समेशन जे एफ जे अपॉन ओमेगा जे स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आई ओमेगा रो जे. तो समेशन एफ जे, अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रैशनलाइज कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं. तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. आगे आपके पास इक्वेशन नंबर टू, जहाँ पे जो कांस्टेंट है एफ जे इज इक्वल्स टू वन अपॉन एम जे और रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी रो जे वो पॉजिटिव होगा पैसिव सिस्टम के लिए. ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, अगर अल्फा ओमेगा जो है आपका वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी है एटम का कंसेंट्रेशन एन में, तो स्मॉल एफ का जो फॉर्म है वो ऑसिलेटर स्ट्रेंथ टाइम्स एनी स्क्वायर अपॉन एम के बराबर होगा. तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स फंक्शन है इसे कहते हैं क्रेमर्स हाइजनबर्ग फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे हम तीन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं रिस्पॉन्स फंक्शन का, क्योंकि हम उसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ओमेगा के रूप में मान रहे हैं. तो यहाँ कोई भी फंक्शन जो इन प्रॉपर्टीज़ को ओबे कर रहा होता है या सेटिस्फाई फॉलो करेगा, तो वो सेटिस्फाई करेगा क्रेमर क्रॉनिक रिलेशन को. पहला, जो पोल है अल्फा ओमेगा का वो रियल एक्सिस के नीचे रहेंगे. दूसरा, इंटीग्रल ऑफ अल्फा ओमेगा अपॉन ओमेगा वैनिशेस जब when taken around an infinite semicircle in the upper half of complex omega plane, तो alpha omega tends to zero as omega tends to infinity. function alpha dash omega जो है वो even और alpha double dash omega odd होगा with respect to real omega. तो हम Cauchy integral मान के चल रहे हैं जिसका form है alpha omega is equals to 1 upon pi I p minus infinity to infinity alpha s upon s minus omega ds. इक्वेशन नंबर थ्री दे दिया इसे. पी जहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट है इंटीग्रल का, इक्वेट करें रियल पार्ट को, रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं. रियल पार्ट को हम अल्फा डैश से डिनोट कर रहे थे, वन अपॉन पाई पी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अल्फा डबल डैश एस अपॉन एस माइनस ओमेगा डी एस. अब इसको हम तोड़ के लिख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो प्लस जीरो टू इन्फिनिटी. थोड़ा उल्टा लिखा है यहाँ पे, जीरो टू इन्फिनिटी को पहले लिख दिया है, अल्फा डबल डैश एस अपॉन एस माइनस ओमेगा डी एस प्लस माइनस इन्फिनिटी टू जीरो अल्फा डबल डैश पी अपॉन पी माइनस ओमेगा डी पी. यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एस को माइनस पी के जगह में, यानी इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन चल रहा है. अल्फा डबल डैश माइनस एस हो जाएगा माइनस अल्फा डबल डैश एस के बराबर. ठीक है, तो जब माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो आप उस माइनस को हटा के इस लिमिट को जीरो टू इन्फिनिटी कर सकते हैं. तो ये वाला जो है आपका टर्म, ये इस तरीके से बन जाएगा आपके पास. ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने से वन अपॉन एस माइनस ओमेगा प्लस वन अपॉन एस प्लस ओमेगा मिल जाएगा टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर. जो रिजल्ट है अल्फा डैश ओमेगा इज इक्वल्स टू टू, ये टू एस अपॉन आया, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें उठा के, वन अपॉन पाई के साथ था पी, वहाँ पे कर रहे हैं तो टू अपॉन पाई पी जीरो टू इन्फिनिटी एस अल्फा डबल डैश एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी एस. तो ये जो है ये है क्रेमर क्रॉनिक रिलेशन. दूसरा रिलेशन जो है इमेजिनरी पार्ट को आप इक्वेट करेंगे तो आएगा, यानी पाई आई था वो वाला माइनस वन अपॉन पाई पी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अल्फा डैश एस अपॉन एस माइनस ओमेगा डी एस. तो अभी जैसे सॉल्व किया था हमने वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, तो अल्फा डबल डैश ओमेगा जो है माइनस टू ओमेगा अपॉन पाई पी जीरो टू इन्फिनिटी अल्फा डैश एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी एस, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.